subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स सभी। अगर मैं बात करूं पिकुलर इंग्लिश के बारे में, सुबह सुबह 5 बजे मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं बहुत ही अच्छे वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स, और ये वर्ड्स आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है आप लोगों का पिकुलर इंग्लिश में। तो गाइज, हमारा पहला वर्ड है ये, जो कि है आप लोगों की आंखों के सामने। जरा पहला वर्ड दिखाएंगे कंप्यूटर महोदय। पहला वर्ड है आपका कॉप शॉप। कॉप का मीनिंग होता है सर पुलिस वाला। जो कॉप होता है वो होता है पुलिस वाला, पुलिसमैन को हम कॉप भी बोलते हैं। तो कॉप शॉप का मीनिंग क्या हो गया? कॉप शॉप का मीनिंग हो गया जो पुलिस स्टेशन, ठीक है ना। कॉप शॉप का मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले की दुकान, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अगर आप, मैं बात करूं कॉप शॉप को, मैं पुलिस वाले की दुकान नहीं, कॉप शॉप को पुलिस स्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जरा इसका आंसर दिखाएंगे कंप्यूटर महोदय एक बार। तो आपने देखा कॉप शॉप का मीनिंग होता है आप पुलिस स्टेशन। दे टुक हिम टू द कॉप शॉप एंड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है ना, बिटन। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। कॉप शॉप का मीनिंग क्या हुआ? ए पुलिस स्टेशन। चलते हैं अपने सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड है आपका ये, सेकंड फ्रेज है आपका ये, डर्ट चीप। डर्ट का मतलब होता है गंदा, चीप होता है सस्ता। जो गंदा हो सस्ता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डर्ट चीप का मतलब होता है क्या? डर्ट चीप का मतलब होता है वेरी वेरी चीप। जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डर्ट चीप। कंप्यूटर जी जरा एक बार इसका भी आंसर बच्चों को दिखाएंगे। डर्ट चीप देखिए, इट्स अ डर्ट। आपने देखा होगा कई बार कोई सेल वगैरह लगी रहती है, वो सेल में इतने सारे लंबे से आपको 150 रुपये का कोई भी आपका जीन्स, आपको टॉप, आपको टी शर्ट आपको मिल जाता है। तो उस तरह से जब आपको इतने बल्क में इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं तो उनको आप बोल सकते हो कि ये चीप नहीं, ये डर्ट चीप है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, ठीक है। और थर्ड जो है मीनिंग देखते हैं, वो है आपका कोल्ड फिश। कोल्ड फिश को अगर मैं बात करूं, कोल्ड होता है ठंडा, फिश होता है मछली। जो मछली ठंडी होती है वो कोल्ड फिश नहीं होती। कोल्ड फिश का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरों से फ्रेंडली नहीं है, जो ग्रीगेरियस नहीं है, जो एमिएबल नहीं है, जो एमिकेबल नहीं है, जो फ्रेंडली नहीं है, जो रिजर्व है, दूसरों के साथ घुलता मिलता नहीं है, ऐसे ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? कोल्ड फिश बोलते हैं। कंप्यूटर महोदय जरा एक बार सारा का सारा आंसर बच्चों को दिखाया जाए। वन, हु इज वेरी अनफ्रेंडली विद अदर्स, He is an awful cold fish. You will spoil your plan if you invite him here. ठीक है ना, ये आदमी कोल्ड फिश ये नहीं होता, कोल्ड फिश ये होता है जो आपके सामने है, जो मुंह चुड़ा के हमेशा रखता है, जो ढंग से बात किसी से नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड फिश। तो आप मुझे बताइए कौन कौन कोल्ड फिश आपकी लाइफ में भी है, उसको कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। शुरू से लेके एंड तक आपको इस वीडियो को देखना होता है। कुछ अच्छे नए idioms, यूनिक idioms मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों का दिन जो है वो एक अच्छी शुरुआत के साथ जाए। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर कोई स्टूडेंट हमारा आज नया जुड़ रहा है हमारे साथ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।